एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा, वेलकम यू ऑल टू द फिजियो स्कूलिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक एक्सरसाइज का टॉपिक है। सो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस जो है वो एक जेनरिक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है जो डायनेमिक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का, यानी कि जो मूवमेंट में बॉडी है उसमें कैसे मूवमेंट इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना है, यानी कि बॉडी के पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी कैसे लाना है उस मूविंग पोजीशन में। तो दैट इज़ ऑल बैलेंस, कि कैसे हम किसी भी सर्फेस पर बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि जैसे देखा होगा कि एक लाइन पे वॉक कर रहे होते हैं लोग, या फिर एक दो रॉड्स के बीच में एक वायर होती है या एक रोप होता है, इसके ऊपर चल रहे होते हैं लोग, तो वो कैसे होता है? तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बैलेंस, कि कैसे उन्होंने अपने बैलेंस को मेंटेन किया। हमारे दोनों लेग से और बॉडी के सर्फेस से जो एरिया ऑक्यूपाइड हो रहा है, दैट इज़ योर बेस ऑफ सपोर्ट। ये बेस ऑफ सपोर्ट चेंज करता है, जैसे कि ये क्वाड्रिपेडल पोजीशन में है, यानी कि दोनों हाथ और दोनों लेग्स पे ये एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो दैट इज़ योर बेस ऑफ सपोर्ट। जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी बॉडी की। और यहाँ पे जो है एक स्टैंडिंग पोजीशन में है जो कि स्किपिंग कर रहा है, तो ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो सिर्फ दो लेग्स के बीच में का एरिया है, तो यहाँ पे बेस ऑफ सपोर्ट कम है। तो दैट्स हाउ हम बेस ऑफ सपोर्ट और इनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। अब आते हैं लिमिट्स ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी का लिमिट्स क्या क्या होता है। तो ये रेफर करता है एक स्वे बाउंड्री होती है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो मूव करता है। जैसे कि ये एक स्वे बाउंड्री है, यानी कि आइदर ये जो वुमेन है वो मूव कर सकती हैं, फ्रंट साइड भी मूव कर सकती हैं और ये बैक साइड भी मूव कर सकती है। तो ये एक स्वे बाउंड्री है, यानी कि पहले तो एक स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर वो आगे की तरफ मूव किया। तो इस बाउंड्री के अंदर इन्होंने अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन किया विद द हेल्प ऑफ स्टिक, बिकॉज ये ओल्ड हैं और ये अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो इन्होंने स्टिक के हेल्प से अपना बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज़ किया एंड देन लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे ऐसे ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? सो इक्विलिब्रियम, दिस इज़ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सेंटर ऑफ ये सेंटर में लाइक कर रहा है बॉडी के, जो कि अम्बिलिकस रीजन के पास होता है और सेकंड सेक्टरल वर्टिब्रा के फ्रंट पे लाइक करता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम हेयर इज द वर्ड इक्विलिब्रियम, यस। तो बॉडी जो है वो आइदर रेस्ट में होगा या तो वो स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन में होगा, और जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे उस जगह पे वो ज़ीरो होगा। यानी कि बॉडी या तो रेस्ट में होगा, या तो एक बॉडी रेस्ट में है या तो वो मोशन में है, लेकिन उस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स है और बहुत सारे फोर्सेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे उसका एक्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। यानी कि जितने भी फोर्सेस होंगे उस पर वो ज़ीरो होगा, तो वो स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है। बैलेंस कंट्रोल, बैलेंस कंट्रोल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मोटर कंट्रोल टास्क है जो इन्वॉल्व करता है डिटेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको डिटेक्ट भी करता है और इंटीग्रेट भी करता है, यानी कि उसको ट्रांसलेट भी करता है कि बॉडी का पोजीशन क्या है स्पेस में। सो यहाँ पे थ्री बॉडी के सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। जो पहला है वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पहला जो ज़रूरत होता है वो होता है मसल परफॉर्मेंस, कि मसल के परफॉर्मेंस कैसा है, और मसल आइदर वो वीक तो नहीं है या फिर मसल में स्ट्रेंथ तो है, तो इसमें वो बैलेंस को कैसे कंट्रोल कर रही है। सेकंड वन इज़ योर डायनेमिक पोजीशन, जिसमें वो रन कर रहा हो रहा है, यानी कि जिसमें वो रनिंग कर रहा है बॉडी, और या फिर वो वॉक कर रहा है। थर्ड वन इज़ योर ऑटोनॉमिक पोस्चरल रिएक्शन। सो द ऑटोनॉमिक पोस्चरल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई हुआ, जैसे कि एक पर्सन खड़ा है, इसके ऊपर अचानक से किसी ने धक्का मार दिया, तो ये एक पर्ट्यूबरेंस आया, यानी कि सडन चेंज आया उसकी पोजीशन में, तो वो उस पोजीशन में कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस करेगा। या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बस में एक इंडिविजुअल जा रहा है और बस जो है वो बहुत स्पीड में जा रही है, अचानक ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई होने पर बॉडी जो है वो फॉरवर्ड की तरफ गिरेगा, तो उस पोजीशन में कैसे बॉडी अपने आप को मेंटेन कर रही है, दैट इज़ योर ऑटोनॉमिक पोस्चरल रिएक्शन। सेंसरी सिस्टम क्या है?
सो सेंसरी सिस्टम का क्या रोल है? तो फर्स्ट इज़ योर विजुअलाइजेशन. तो पहले अगर विजुअलाइजेशन होगा, करेक्ट विजुअलाइजेशन होगा, तो करेक्ट तरीके से देख पाएंगे. अगर करेक्ट विजुअलाइजेशन है यानी कि किस जगह पे हम खड़े हैं, या तो वो डेंजर में ना खड़े हों, या फिर एक प्लेन सरफेस है या रफ सरफेस है, हिली एरिया है, सेफ साइड है या नहीं, तो ये सारी सिस्टम जो है वो वर्क करता है बैलेंस को कंट्रोल करने में. सेकंड जो है वो सोमैटो सेंसरी. सो सोमैटो सेंसरी इज़ योर, ये जो हमारा सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है, तो सोमैटो सेंसरी रीजन में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पोजिशन और मोशन ऑफ बॉडी, कि बॉडी का पोजीशन क्या है और बॉडी कौन से मोशन में है और इन दोनों का रिलेटिव क्या है. यानी कि अगर ये प्लेन सरफेस पे है और ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है तो ठीक है, अगर सेफर साइड देख के चला तो वो ठीक है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस कंट्रोल हो सकता है. बट अगर ये रफ सरफेस पे हुआ और इसका मोशन भी सही नहीं है तो बॉडी अनबैलेंस हो सकता है और बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं. थर्ड जो आएगा वो है वेस्टिब्यूलर सिस्टम. अगर वेस्टिब्यूलर सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा रोल है, एज़ अगर ट्रैफिक है एंड यू आर नॉट हियरिंग कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है और हॉर्न दे रही है, तो अगर आपने उस जगह पे अपना एंड पॉइंट, ये कहता है कि अगर हमारा डैमेज बेसल गैंगलिया है, दिस इज़ द पोर्शन वेयर दिस इज़ कॉल्ड बेसल गैंगलिया, अगर डैमेज पोर्शन है तो सेरेबेलम इम्पेयर्ड हुआ और इस इम्पेयरमेंट की वजह से क्या रिजल्ट हुआ कि ये अडेप्ट नहीं कर पाया सेंसरी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, और इनएक्यूरेट सेंसरी इनपुट होने की वजह से उसका रिस्पॉन्स भी प्रॉब्लमेटिक आया और अडेप्ट नहीं कर पाया उस अनस्टेबल सिचुएशन को. थर्ड जो है वो एजिंग के साथ है, यानी कि बहुत ज़्यादा एजिंग हो जाने की वजह से जो कंडीशन डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है या फिर और बैलेंस नहीं कर पाती बॉडी. तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसके वजह से इम्पेयर्ड होने की वजह से, इम्पेयर्ड सेंसरी इनपुट की वजह से, मोटर इनपुट की वजह से बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ख़राब हो सकता है.